Hello kids, how are you all? Hope you are fit, fine, healthy and hope you all are enjoying. Kids, today mom is going to teach you English grammar chapter number 16 that is has and have. Aaj hum chapter karenge has aur have ka. Theek hai, to mom aapko batayengi ki has kab aata hai aur kiske saath aata hai aur have kab aata hai aur kiske saath aata hai. Has is used with one person, place, animal or thing. Has यूज़ होता है जब एक पर्सन के बारे में, एक एनिमल के बारे में या एक थिंग के बारे में बात की जाए. या फिर has आता है ही के साथ, शी के साथ, दिस के साथ या दैट के साथ. लाइक ही हैज, शी हैज, दिस हैज एंड दैट हैज. ठीक है, तो ही, शी, दिस एंड दैट के साथ यूज़ होता है has. एंड has कब यूज़ होता है? जब वन पर्सन, वन प्लेस, वन एनिमल या वन थिंग के बारे में बात की जाती है तो has आता है. Clear? Next is have. अब have कब आता है? Have is used with more than one person, place, animal or thing. जब एक से ज़्यादा person के बारे में बात की जाए, एक से ज़्यादा animal, एक से ज़्यादा place या एक से ज़्यादा thing के बारे में बात की जाए, तो वहाँ पे आता है have. और have किस किस के साथ लगता है? I have, we have, you have, these have, those have and they have. तो I, we, you, these, those, they, इन सब के साथ क्या वर्ड यूज होता है? Have. ठीक है, नेक्स्ट. नाउ रीड द गिवन सेंटेंसेस यूजिंग has एंड have. अब आप यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस रीड करेंगे जो कि has और have से हैं. पहले हम पढ़ेंगे has वाले सेंटेंसेस. ही हैज अ बाइक. ही के साथ क्या आता है? Has. शी हैज अ ब्यूटिफुल ड्रेस. शी के साथ भी क्या आता है? Has. एंड पे बात एक ड्रेस की हो रही है ना, ड्रेसेस की बात नहीं हो रही है. शी हैज़ अ पर्स. उसके पास पर्स है. हर फादर हैज़ अ कार. उसके पापा के पास कार है. ठीक है, नेक्स्ट. हैव कब यूज़ होता है? आई, वी, दे, दोज, इन सब के साथ, दीज, इन सब के साथ यूज़ होता है हैव. जैसे कि आई हैव अ बिग हाउस. दे हैव फूड विद देम. They have food with them. यानी कि they मतलब उनके, वहाँ पे एक जने की बात नहीं हो रही है, एक से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है. Next is those boys have lots of money. उन लड़कों के पास, उस लड़के के पास नहीं, उन लड़कों के पास बहुत सारा पैसा है. ठीक है, next is we have a plan to win. हमारा plan है जीतने का. ठीक है, चलो next page पे आएंगे. Fill in the blanks using has and have. अब आपको has और have के साथ sentences fill करने हैं. Radha is a cow. She dash a calf. Radha एक cow है और उसके पास एक calf है. She has a calf. तो यहाँ पे आप लिखोगे has. ठीक है, और she के साथ use भी क्या होता है? Has. Next, we dash. We मतलब एक से ज़्यादा. We have a new dress to wear. We का मतलब ही क्या हो गया? एक से ज़्यादा. तो एक से ज़्यादा लोगों के लिए क्या यूज़ होता है? Have. We have a new dress to wear. ठीक है? They dash a map of India. They मतलब एक से ज़्यादा. तो they मतलब एक से ज़्यादा, और एक से ज़्यादा लोगों के लिए क्या यूज़ होता है? Have. They have a map of India. उनके पास map है India का. ठीक है? Next. It dash four legs. It के साथ यूज क्या होता है? It have four legs या it has four legs? बताओ. It has four legs. उसके पास चार legs हैं. उसके पास, it has four legs. ठीक है, he dash some cookies for me. ही के साथ क्या आता है हमेशा? ही के साथ आता है बेटा has. उसके पास कुछ कुकीज हैं मेरे लिए. उसके पास, ही has. ठीक है, नेक्स्ट. अ जिराफ डैश अ लॉन्ग नेक. जिराफ की जो लेग होती है, हैव अ लॉन्ग नेक या हैज अ लॉन्ग नेक? जिराफ हैज अ लॉन्ग नेक. एक जिराफ की बात हो रही है ना. ठीक है, अब नेक्स्ट. लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट वन सेंटेंस फॉर ईच यूजिंग हैज और हैव. अब आपको हैज और हैव को यूज करते हुए, इन पिक्चर्स को देखते हुए सेंटेंसेस बनाने हैं. जैसे कि आप लिख सकते हो,
He is playing in a computer. Iska se aa gaya. He has a computer. He aur he ke sath kya aata hai? Has. Aur wo kar bhi kya raha hai? Uske paas computer hai. To aap likh sakte ho he has a computer. Theek hai? Next. Ab suppose ye girl hai. Girl ka name bhi likh sakte ho ya phir she bhi likh sakte ho. She has a doll. Ya Ria has a doll. Theek hai? Next. We are friends. ये तो R आ गया. हमें तो लिखना है has या have. तो we have two bats. हमारे पास दो bat हैं. ऐसे भी लिख सकते हो. अब ये वाला आप खुद लिखेंगे. ठीक है? चलो. अब आपको करना क्या है? आपको ये chapter 16 यहीं पे finish होता है. आपको chapter number 15 का page 51 तक वो complete करना है. And ma'am को आप picture send करेंगे. जिस बच्चे को अगर कोई problem आती है, तो ma'am से contact कर सकते हैं. Bye-bye. Thank you.